बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही महतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सारे मौसम बैठे हो, आज निजी जी ये छोटी जी महफल है। वैसे तारफ़ तशरीफ ने बोला कि जे सौ वारी वो एक बोला सरकार के अगर असा लख गाने गां तराने गां लेकिन जो दर्द बनता ना उसने दर्द ना मां धोने ना खत्म होने। इस वास्ते इस महफल ना ना सोमवारी महफल आ की सकते हो जेड़ा बालक बनी गया जिसने अपने बच्चे भी उसकी हर बच्चा अपने बच्चे जैसा लगा। ये दुख ऐसा दुख आ कि कबर नहीं करना दाग और दुआ करने के बाद देना कि अल्लाह पाक ऐसी आजमाइश ना पाए किसे वालदैन की। इस आजमाइश में सबर भी तौफीक अल्लाह पाक ही दे। कानून का कुदरत नया जाना सारे ही आ, कोई छोटा बड़ा आ जवान आ बुढ़ा आ, लेकिन वालदैन वास्ते बहुत सख्त इम्तहान आ, थोड़ी कह तो ज्यादा कह, अल्लाह ही सबरी उम्र की तौफीक है। अजीजम महूम उस्मान जफर ने याद जो कुछ जिस तरह की तहरीर दी गई मैं उसने फिर कोशिश की थी उस मुताबक में अपने लफ्जा की टाला। सैफल लोग वजन ही चुके चंद बोल लिखे हुए और भी तुसा ने कोशिश गुजार कर सकता। मैं मरकज जरा आया प्रोग्राम ना अदू दरबार इसे बिचे रह सी हम नाद अमवाद करबला ने एक दो शेर इसे चे इख्तिताम हो सी। ये मेहरबानी करे कोई मजाजाना अंदाज कोई फरमाइश न दिया वो फिर मजा कर करगा तो जाना। बाकी शादियों ब्याह तो करने रहने शुगर मेले भी इतना थोड़ी जी को दरबारी महफल या ऐसी महफल वह उस तू दरबा होना उसने बीच नहीं गए गल करनी पड़ी। तो अजीजा की ख्वाहिश है कि साजीने बिच भी मौला जी असल की दूध पड़सन। मैं मशहूर हाँ सारे ना चौधरी जुबैर साहब बैठे पट्टी बरादर साढ़े सौ पर दो दो बाकी अजीज सारे तशरीफ रख रहे हो माशाल्लाह। ये तो सभी सारी विकार में महफल है। मैं अगर की कि गल जरा ग्रां इतने वास्ते मैं शेरवान को ना मैं अपना दाल समझी दसना है असा कि वो ज्यादा बंद भी गर्ज को नहीं होनी कि बंद ही हो असा ने घर ने फर्क अस बैठे हाँ अपना दुख सुख अस बंडना जरा टाइम थोड़ा बहुत थिया तो फिर उस उठी पैना तो अल्लाह तला इन्हें कि भी भाई जफर हो इन्हें कि हले खाना कि सबने जमील अदा करा तो इसना इसने बड़ा जिर अजीम अदा करा तो हम थोड़ा जहा सा जीना उसी तो उस बाद मैं फिर शुरू उसी मेहरबानी।
आगाज बेली के फरियाद ते मुखसी रुदाद गम दी क्यों जे तालब है दर्दे फिराक दुनिया शुरू शाम तो हुई फरियाद गम दी कुरैशी अनवर साहब लिखे गए हम दिया कलाम विच मैं कोशिश कर सा इस मनासबत नाले हम दिया कलाम पढ़ आपने लिखा मेरे सजनों दुख लिख दीते उस कातब अदल केड़े दुख लिख दीते उस कातब अदल केड़े किसे ही ने मसीने तू दूर ना हो अगर उस दुनिया में भी कोई जाना ना इस दुनिया की भी वैल्यू खत्म हो जाए जिस तरह रात नाल दिन नी वैल्यू बरकरार है अहमियत है इस तरह मुल्के अदम अगर ना होना तो इस दुनिया की अहमियत खत्म हो जाए कुरैशी साहब लिख रहे अदम हस्त दी मुकद क्या रह जानी ये रखिया कुदरत ने जे दस्तूर ना हो पर इसने शक कोई नहीं वो पत्ता शजर का अनवर नहीं हिल सकता मेरे मालका ये मुश्किलां मेरियां हल कर दे मेरे मालका मुश्किलां मेरियां हल कर दे क्यों तेरा नाम मैं मुश्किल कुशा मौला ये सपना मुश्किलां नूं हल करन वाला और कोई नहीं तेरे सिवा मौला हजरत आदम ते और जद बड़ी मुश्किल की तै फजल ना लंबा फता मौला हजरत तेरा जद बड़ी मुश्किल फजलो करो तारे बचा मौला मेरे मालका यूनस मछली दे पेट विच बंद होया अपने फजल नाल कीता रहा मौला हुक्म दे के रैमो करम नई छड़ा मौला वली नबी ए वली नबी
गीत जावा तू हलावा साडे कोल होर गया इस खाली गावा ना गुनावा नाल भरी है पूरी बाडी है जिसकी संदूक आखदे आ लेकिन मायूसी दी कुफर है ओ मेहरबान ते गफूर रहीम आ अगर चाहे तो गुनागारों की बख्शा तक चाहे तो परहेजगारों की पकड़ी के नहीं उसने हजूर हर वक्त इस तदावों का इंतजामा करनिया चाहिए दुखा ना मारिया वा कोई इस तदा करना तो इंतजार करना कि तरीके नाल करना अला मेरे मालका मेरे जख्मी जिगर के कदूर कर इस मेरे जख्मी जिगर के कदू कर पत नसीबी की चादर है भूली जानी ओ लाड़ो मेरे वजूद की कदू कर ये दुखा दर्दा की भूली चुपड़ी तू जे बने ना आशियाना
पर याद इस तरह क्या बात ना रखा तो मैं मुजरम पर नाल एक पास रहमान तो दूसरे पास शैतान मैं मुजरम जे बने आशियाना पर जे बनावा तलक तूफान उड़ जाए जे असाते रहे हयात थे ये जे में रो तेरा ईमान उड़ जाए शिकवाता बदन च पैन किए करा शिकवा एक करा शिकवाता रद दरबार हो करा सुबरते मेरा खपकान उड़ जाए क्या करना कादर फैसला करना मोहाली थे कादर फैसला करना मोहाली
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੱਸੇ ਪਏ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋ ਪਏ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਚਾਹੀ ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਕਿ 313 ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ सरकार फिर दरगाह रब्बुल इज्जत की चाती उठाए ये मुट्ठी भर बराबर इंसान अगर मिट गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं आ सकता तो फिर गाय भी मदद हो तेरी रहमत श्रद्धा युदार अंदर तू तो रह तू लालमीन बन गया है कदा पत्थर लोका मारे सरकार खून चौड़ो चौड़ो नालायक मुबारक तक पहुंचा बेटी गले ना लाई क्या है फातिमा रोई क्या आप आपासूर इसको मस्त बदवा फरमाओ बेटी मैं वो नबी ना जरा वक्त ना नबिया और उसके बाद और कोई नबी ऐसी मैं वो भी नबी ना जरा कुम्बे ना नबिया ये कबीले ना नबिया जिन्ना बदवावा के दिया वो महदूद वक्त पर आए उन नबिया अपनी कौमा वास्ते बदवावा के दिया उस तो बाद और नबी आ गया हो गया तो और नबी आ गया पर मैं आलमीन वास्ता रहमत बन गया है जिथे तक अल्लाह ने खुदाई है उथे तक मेरी मुस्तफाई है मैं जब आलमीन वास्ता रहमत बन के आया तो मैं दुआ कर सा अल्लाह ने हिदायत नसीब है बस अमर ही होना ते इंसान की पहचान और नबी फरमाने पे कि इन नहीं वो आंख नहीं जिस आंख नाल की पहचान है ए बैर वे गुंगे वे अन्ने शायद इन नहीं नसल जो कोई ऐसा अच्छा है जिससे मेरे नाल मोहब्बत हो जाए इस वास्ते है तो कुरैशी अरबर साहब एक गली लिखी ए तेरी रहमत दा सदका तू ए जी दे तारियां पार तस्मान सजिया बड़िया किताबं तकरीबन हिफ्ज कीतियां हुई कोई गल है तो हर किताब का हवाला देने एक शेर अली कहते मैं दसी सी कि शायद तुम्हें याद आया मैं जी तुम चुनाव बड़ा अजीब आखिया मनसा जिंदगी इतना पहली बच्च फोर्स गुजरी तो किताबों माड़ी वाबस्तगी नहीं मैं किसी तौर भी तुम्हें मूह शेर सुनया सा तो कदा हो ही सकता तो रात के बाड़ी आज नहीं होया मैं बड़ी देरी ने कभी सोचना पैसा पीनी असली पेशी
ते मर जाए चाहे तो शेखपुरा शेखपुरा साहब इंतहा है। सरकार ने तारीफ तारीफी कलमात स्टाफ चाहिए दिता ने फुल स्टाफ चाहिए दिता ने मैं अगर क्या गल में कर सी अजीज शहजाद ना है उन्होंने चंगे मेरा रत्ता ना का उन्होंने अजकल ड्यूटी लाइक सीधा पूरी भी देने पे मुझे कहा जा सुन है जितनी बंदे की पावर है इस्तेमाल कर दी ये इंसान है अल्लाह का बादशाह है उसी फिर पावर ना कोई तजिया किस तरह ला सकता पर कुरैशी आने कमली वाले जमीन ऐसी है मां की गोद में जितनी लताफत नहीं
जितनी उस सरजमीन पर शफकत और मोहब्बत है उस सरजमीन जहा दुखा ना मारे आंदा कल कोनी पीसी चौधरी साहब नाल भी जहा दुखा ना मारे वा दुनिया ने ठुकराया वा बंदा उठा गच्छा उसकी तस्कीन के लिए मां की गोद भी यही है कि बच्चा थकिया दुटिया अच्छा जिसने मऊ की गोद ही सा रखना मां शफकत नाल सिरा भरा थकनी सारे गम दूर हो जाने उस देश की गल है आने अरब की अरब की पाक धरतीए होर जमीन कोई क्यों खुश नसीबे मेरे हबीब जैसा इत्थे हो वस्या मकीन कोई जदू सिदर मदीने दावदाए मरहबा आखे आफरीन कोई अरब की धरती एक और गल भी सुन लै के गल सुन लै हल्फी जिस मेरे रोजे अनवार ने जियारत की थी जहन्नम या उसको आराम है जिस मेरे रोजे की मोहब्बत ना तकिया कर कयामत वाले दिन मेरी शफात लाजम है तो जिन्ना ईमान नहीं आखना वैसे तो बुजैल भी तकना रहा अबू लाब भी तकिया सरकार की लेकिन मसला ऐसा है यार कि जिन्ना ईमान नहीं आखना नबी की जियारत की थी उन्होंने जान गया नबी ने रोजे की तकड़े ना जहन्नम की आग आराम है तो नबी ने जरा तकड़े नाल ईमान नाल ईमान नहीं दौलत नाल तकड़े नाल उन्होंने क्या शान है अच्छो है तो और भी इतने गल भाई जाए शेर पढ़िया पढ़ना सर जाना तो मिगी गल याद आ गई असाबा रसूल सारे बैठे किसा साबी सवाल किया सरकार सारे तू वक्ता वाला कोई बंदा थिया जेडी सरकार ने मजहब बैठे या सरकार ने चेहरे की ज्यादा सरकार ने बोल सुनने पे इस तू असल तू भी खुश किस्मत कोई इंसान है दुनिया में सरकार से लाई दाने हाँ तुसा तू वक्ता ने लोग थे परेशान हो गया सा मैं रसूल भाई इस तू अगा कह रहा भाई नबी बैठे हुए दो जहान ने सरदार बैठे हुए तो सरकार ने चेहरे दिन ज्यादा होनी गुल सुनने पे सरकार इस दौर की गल की उन्हें आख्या तुसा तू वक्ता आले लोग हो गए जिन्हें मिगी तकिया भी नहीं माड़ी गुफ्तगू भी नहीं सुनी और माड़े नए उपर अपनी जान कुर्बान कर सको लोग तुसा तू चंगे वे तुसा तू मिगी तकी कह माड़ी मुजजात तकी कह माड़े चेहरे अनवार की तकी कह माड़िया गलत सुनी कह ईमान आंदा तो वो मिगी तकड़ भी नहीं लगे तो माड़े की तुआ पर जान कुर्बान कर सको तुसा तू चंगे वे ये दौर की गल है मेरे बेलियों तागे खुश पार्टियों लोग ऐसा की सरकार मायूस नहीं किया तब वो कितने लोग चंगे से जिन्हें सरकार की तकड़े से पर सरकार असल के उसरा देने वास्ते एक गल छोड़ी कि तो सब भी चंगे हो लोग जिन्हें भी की तकिया भी ना उसी बड़े नए पर अपनी जान कुर्बान कर सकते
माल माल कुर्बान कर सो, माल औलाद कुर्बान कर सो। ए काने कुछ बाकियों हो कैसा तेरे तकने सब अरबी दिलदारता फिर चल फलकदा तक के छुप जाता ताके अमना दे माए अनवादा इतनी गल नहीं मुकड़ी पर के तकदा थकदा सुलहो वाले अपने सोने जाता महबूब कदै दिले च खाली ख्याल करै कि महबूब कदै इसने भी है इधर का भी दार चंगा सा अल्लाह की जोश आ जाना तो रह लगी तुहाड़ी रजा या तो मैं कानून बनाई छड़सा तू नमाज है नहीं कैफियत च अपना मुंह तर दी भाई कमली वाले की इंजाज है थोड़ी सी कि अगर इधर नहीं भिजाए इधर भी किसा मुंह का बिना तो क्या बात है आर्डर आ जाओ सारा देर नहीं करनी नबी और इधर मुंह करी की नहीं दो फर्ज इधर अदा हो एक बिला बंदा तो उठो रुख बदली गया नानी ईमान वाले ने पर खोई जासी तुम्हारे पीछे कौन कौन करता वा है जी तो सरकार दो फर्ज इधर पड़े तो दो फर्ज उधर उधर पड़े ग्रां जाना वह राह पता भुली पुछना फलाने ग्रां जाना राह कड़ा जा सकता
रस्ता जन्नत फिर दोस्त का पूछना ही है, ये रस्ता जन्नत वे फिर दोस्त का पूछना ही है। पूछी पाक मदी के लिए रवा कौन, ये माफी मंगिया सरकार के दर जाके तैनू मिलसी छुटकारा गुनावा को। मेरे सजना जारी रोजे की पकड़ के राज रोमी देवी का तू हो गया हवा को। क्यों जिस हाले ये मौका तुम्हें नसीब हुआ ऐसी ये तुम्हारे वास्ते वक्ता ना मौका उसी वो शायद किस्मत आनी शायद हो सही है। एक बार बार नसीब विच नहीं आनिया सहता चाली रोजे की पकड़ के राज रोमी देवी कम तू हो गया हवा को। इस वास्ते है ओए हाफिज़ Thank you.
दो त्रै बोल नादिया नाद नी शब्द बस मोहब्बत रूहां बैठा बैठिया रहन ना बाद औकात खुदा को आया बड़े बड़े मुल्क मजा कद कद इस महफल साढ़ा रूहानी कैफियत वो कोई तब्दील हो जानी मोहब्बत रूहां बैठे बैठे पीर साहब ने दो बोल पीर नसीरुद्दीन नसीर अब्दुल्ला ने चूंकि मैं अगर दसा मैं नवी पेश करना बस इन इशारा करने देर हो रही एडी गोशा बड़े लोड़ को नहीं है क्योंकि नवी चीज आने फिर दसनी पैनी है। हाँ We'll be right back.
खजीना छोड़ाया हूँ, ओ मुझे रोने दो मैं जन्नत का सीना छोड़ आया हूँ। मुबारक दे रहे हो तुम मुझे हज्जो ज़ियारत की, अरे मेरे रब्बी तो देखो मैं मदीना छोड़ आया। उसकी रद्द करना अल्लाह माफी दे, असा अपनी गुनाहगारी समझदे आ ते बार दफा ज़हन च को गल निकली जानी नहीं पेश हो रही, लेकिन मुहब्बत आने मुहब्बत करने बहु तो उन्होंने मुहब्बत की मद्दे नजर रखी कह दोबारा में दोहराना पे एक लग सब शिराजी ने कौल अपल हाल गुलाब कमाल ही कशफत तुजा में जमाल ही सुनात जबी और खुशहाल ही। तारीख इस गल की गुआ या कि सरकार ने त्रै बोल लिखे सिर्फ चौथा बंद सरकार को नहीं लिखना होया तो खुशी का आलम तारी नहीं गया। उस कैफियत च नबी पाक की ज्यारत नसीब हुई। पूछा साधी किया परेशान है या रसूल अल्लाह मेरी कलम ने आज त्रै बोल लिखे चौथा नहीं लिखा। आप की पता सा कह कह लिखा साधी साधी तो रहा क्या लिखा ही। आपने फरमाया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हुए मेरी कलम ने आज लिखा बलगल अल्लाह में कमाल ही कशफत तो जा में जमाल ही असुनत जमी और किसान ही। बस कलम अगर रुकी गई कुछ नहीं लिख सकी। सरकार मुस्करा के आने शादी लिखना सनुआ लहे वाले ये नबी पाक की तरफ वदियत की का बोला साधु शिराजी ने तो सरकार लिखने पे अरे बलगल अल्लाह में कमाल ही
विदाउट रेस्ट मैं कोशिश की शेर तबाद इस सनासा की जे वाकई पर लिखे हुए सफल लोक वजन मैं सफल लोक वजन का लफ्ज इस्तेमाल किया। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ते आरिफ खान शरीफ आप भी बनी सन निस्बत भी बढ़िया बढ़िया नाल सी पीर मेरा जे दबड़िया वाला पीरा शाह कलंदर हर मुश्किल विच मदद करेंदा दो जहान अंदर मैं कोशिश की थी के दुख दर्द मनाने ने तरीके वे सहज लोग वजन विच भी उच्चा तो गला में लिखिया बस ये परसा आखिर तक पहाड़ी तरह पर दो बोल परसा इसने नाल फिर मैं वाकई शुरू कर दिया ये भी वाकई नाल रिलेटेड आ उस सिस्टम में जा मैं कोशिश की थी कि सफल ग्रुप में बजाय इस तरह के मुतफरक जे बात सुना तो मैं क्या ना होया कि अल्लाह ताला ईमान देती तो फिर कीती तो मैं बरखुदार में बारे जरा सफल ग्रुप वजन चित क्या वो मैं तो सुन कोशिश कर रहा हूं छे जनवरी 2000
दरगाह का
किताब को गल लिखा, पर इस तो पहले मैं शेर उर्दू ना पढ़ना पसंद कर सा। असा तुसा सारे वास्ते है, वो चीज खाली छोड़ी क्या है, उसने पर दाद रसी करनी तो और बात है, लेकिन कोई ऐसी चीजा हुई कि सुनी का कद पल्ला बनी के ना बंदा तो उसकी हालात बदली जाने। उर्दू में शायर बड़ा बेहतरीन बेहतरीन अक्कासी की थी जिंदगी ने, उस आखिर जियो तो ऐसे जियो, जियो तो ऐसे जियो कि दुनिया सलाम करे, मरो तो ऐसे मरो कब्र भी एहतराम करे। इस वास्ते जिंदगी ना माटो होना चाहिए, ये लम्मा भर जिंदगी है, ये जो असर की 50-60-70 साल 80 साल लगने ना, ये पल भर की जिंदगी है। जिसकी उम्र 50 साल है वो अपने 50 साल पीछे नजर मारे ना, उसकी ख्वाब की दिसी भाई मैं 50 साल पता नहीं किस तरह कटे, तो 50 साल हो गया, 60 साल अपनी जाई सोचना उसकी कल की गल है, मैं जवान सा स्कूल पढ़ना सा पर ख्वाब जी नजर सी। कुरैशी अकबर साहब ने एक शेर सा बड़ा बड़ी सोही उन्होंने ये अकाशी की थी, एक घड़ी जो खड़ी बिच गायब परदे, खबरे की तूफान लै खड़ी हुई है, ना आवादस दी तुलसी का पाई तेरे जालम हिरस दी मैं जे चढ़ी हुई है, 100 साल भी 1000 साल भी शायद तू 40 साल पहले कबर सुते हुए लोग जदू जग से अग से अज आया, एक पल होया एक घड़ी हुई है पर साबत रहना फिर आ कद फिर उसने कली खार की लोग जोड़ी हुई है, दरख्तों नाल पत्ता कटिया जाए तो उस कंडे पर खलता वह तो हवा ने झोले ना मोहताज होना तो कई पे फिर जिंदगी सद रही है, पर क्या ए लो जी अल्लाह के Yeah.
आ
तू बाद आखिर दसो की बीमारी दा वार होया। दो दिन फाका होया महसूस होया कि तबीयत सतल गई। उस तू बाद फिर इस बीमारी का हमला होया। इस तरह आवाज दी ओ हालत दे नथिया शरीर
सुनी क्या ममता ने दिल बड़े नाजक तक बड़े बारीक होने होया क्या पैर पाई रोंदे सकी यार रोंदे गशी बिच उस्मान दी माई पै गई क्या Thank you.
ਕਰਿਆ ਆ ਵੇਖਣ ਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਬੈਣੂ ਦਾ ਵੇਲ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਭੈਣ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਉਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਸ ਇਸੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਕਿ ਬੜਾ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਰਹਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਬੜੇ ਭੈਣਾਂ ਕੀ ਵਕਤ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਔਰ ਹਰ ਵੀਰੇ ਪੜੋਸੀ ਉਮੀਦ ਹੋਣੀ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਸੀ ਮੈਂ ਭਾਈਏ ਨੇ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਬੰਸਾਂ ਮੱਥੇ ਸਿਰਾ ਟਕਾਸਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੀ ਘੋੜੀ ਚੜਸਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲਾਗ ਕਰਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਜਿਸਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬੇਬਸ ਆ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਉਲਟੀ ਵੀਰਾ ਤੇਰੀ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਸੀ
आवाज दिती आखिर अल्लाह ने रजा होनी तो छोड़ी चले जाने
कदा जिन्हों की खातर सजाया जाना उन्हें की वह कारण नसीब नहीं होना, लेकिन जिन्हों की खातर सजाया जाना अगर उन्हें की नसीब ना हो दुख का अरमान सारी जिंदगी कबर दिया कदा भी तक नहीं जाना। हर वाले की ख्वाहिश होगी अपनी बसात मुताबक अपनी चाहत मुताबक मैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करा, उन्होंने मुहब्बत ना इतराम इस तरह करा कि उन्होंने कोई चॉइस है जी माड़ी पहुंच तक है दस्तर तक है मैं वो पूरी करा। हर वाले की ख्वाहिश है आप रात दिन मजदूरिया करने सारे परदेस भी कटने औलाद की खातर के असल तकलीफ कटी के सांपर सारी औलाद सुखी रह सी जिन्हों की खातर तकलीफ कटो कदा वो ही साथ छोड़ दे तबक तो पहले ही सफर का गम जान हो जाव या फिर पिछे जीना मुश्किल हो जाए मरना तो बंदा अपनी आई ना हूँ वो मंजर कशी जिस तरह एक मासूम सतारा साल बच्चे करू भी दिया परदेस जाए तो वालदैन प्यार नाल मुहब्बत नाल अलविदा तो करते लेकिन उन्होंने दिल धड़कना होना, लेकिन जिथे अपने हाथों नाल पड़ा मिट्टी पाई तो बंदा बोलना वो कैफियत बस ये ना आखने वाली है ना माने वाली है ये उसका की पता है जिसकी ऐसा जिंदगी कैफियत जी है मेरे बेलियो सी मंदर अजीब ये अलमना सी मंदर अजीब ये करूं मैयत यारो उठान वेले आखिर
ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਓ ਸਾਥ ਚੱਲੀ ਯਾਰੋ ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ Thank you.
दोषे परसों मुजफरन जी अमवात पर अमवात पर एक बैल परसों वाकई कर ब्राह पर दोषे परसों फिर इजाजत चल रही है शफीक चश्ती जी माशाल्लाह पीर साहब का बोल लगा
बड़ा चला सकता पर जिसने जिद्दियों नहीं मिलना गवारा कीता
ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਸੀ ਕੋ ਲਾਪਸੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵਫਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਸੀ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਰਾਵਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਜਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦੀ ਤੂੰ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕਬਰ ਤੱਕ ਜਾਪਸੀ ਚਲੋ ਸੰਗੀ ਪਾ ਪਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਇਹ ਸੰਗੀ ਪਾ ਪਿੱਟੀ ਕਹਿ ਜਾ ਸਕੀ ਹੋ Oh,
राशिद अनवर साहब का स्पेशल पंजाब रात तारीखी
हनेरे विच अद्धी रात नो टैम तारी हाबड़ी बाबे हजूर अगे रोई क्या है तड़ा प्रिया दिल दिया कैफियत बयान कर ले बाबा जान अज मैं मदीना छोड़ना तुसाने सामने मेरी आखिरी हाजरी है शायद उस तो बाद इतना आना नसीब ना हो पर मैं वो सही ना जरा सरकार तुसाने गोद पलिया है